तब शेखा जी ने चंद्रसेन जी को कहा कि ना हम घोड़े देंगे, ना घोड़े की पूंछ का बाल देंगे, कुछ भी नहीं देंगे आपको। आपको घोड़े चाहिए, आपको बछेरे चाहिए, तो आप पैसे दे करके खरीद सकते हो, खरीदोगे तो हम देने के लिए तैयार हैं। तब राजा आमेर चंद्रसेन जी को शेखा जी ने जवाब दे दिया कि बछेरे खरीदने तो पैसे दे के खरीदो, हम लगान हम कर के रूप में कुट्टी कोड़ी भी नहीं देंगे, बछेरा तो दूर की बात है। उसके बाद राजा चंद्रसेन जी ने छोटी छोटी टुकड़ियां बनाई और सैनिकों के जरिए आसपास के गाँव के अंदर लूटपाट कसोट और आतंक मचाने के लिए टुकड़ियां भेजनी शुरू कर दी। ऐसी 3-4 घटनाएं हुई कि रात को आमेर के सैनिक जाके वहां कब्जा करते, उनको लूटते मारते। जब महाराज शेखा जी को पता चलता तो सुबह उनको कुछ को सलटा देते, काट देते और कुछ बचते हो वहां से भाग जाते। तो ऐसी घटनाएं 3-4 बार आसपास में हुई। तब शेखा जी ने सोचा कि अपने पास लड़ाका का करीब 250 के करीब हैं और मान लो आमेर सेना अपने ऊपर आक्रमण करती है तो अपने को शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। इसलिए उन्होंने सोचा कि अपन अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं, इसको बढ़ाते हैं, इसको लेकर के उन्होंने एक रणनीति तैयार की। तब महाराज राव शेखा जी के पास बरवाड़ा और नाल दो रियासतें हुआ करती थी, 12-12 गाँव की, 24 गाँव की। तब उन्होंने विस्तार की बात सोची तो उनके पड़ोस में सांखलों की एक रियासत थी, जाजव राजधानी थी उनकी, उसके ऊपर इन्होंने अपने जितने भी जनता थी, सैनिक थे, उन सब को लेकर के इन्होंने अटैक किया और उस जाजड़ को, राजधानी को इन्होंने जीत लिया और सांखलों को इन्होंने हरा दिया।